इन छोटे बच्चों को चांद सितारे छूने दो, इन छोटे बच्चों को चांद सितारे छूने दो, दो चार किताबें पढ़ करके हम जैसे हो जाएंगे, दो चार किताबें पढ़ करके हम जैसे हो जाएंगे। जिनको जाना था यहाँ पढ़ने को स्कूल, जिनको जाना था पढ़ने को यहाँ स्कूल, जूतों पर पॉलिश करे हुए भविष्य के फूल, जूतों पर पॉलिश करे हुए भविष्य के फूल। हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू हिंदी द इजी वे। हिंदी द इजी वे में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि इन पंक्तियों से आपको पता ही चल गया होगा कि आज का जो निबंध का विषय है वो क्या है। जी हाँ, बाल श्रम। बाल श्रम पर आज हम लोग निबंध जानेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। इन छोटे बच्चों को चांद सितारे छूने दो, दो चार किताबें पढ़ करके हम जैसे हो जाएंगे। इन पंक्तियों के माध्यम से बशीर बद्र ने बच्चों की कोमल कल्पना और उनके उन्मुक्त होकर विचरने की स्वाभाविक इच्छा का सहज रूप में वर्णन किया है। वह बच्चों के हाथ में पुस्तक थमाकर उनसे उनके सपनों की दुनिया छीनना नहीं चाहते, किंतु आज हमारा क्रूर समाज इन्हीं मासूम बच्चों से कठिन श्रम करवाकर उनसे उनका बचपन छीनने की कोशिश कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जब वह मात्र 4 साल या 3 साल के होते हैं, तो उस पर पढ़ाई के लिए दबाव बनाया जाता है और स्कूल भेजने के लिए दबाव बनाया जाता है, जो बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। बाल श्रम का तात्पर्य उस कार्य से है जिसे करने वाला व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु से छोटा हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में बाल श्रम का जो कानून है वो 14 वर्ष से नीचे के लिए नहीं है, जो 14 वर्ष से ऊपर है वही काम कर सकता है। जो कोई बच्चा 14 वर्ष से कम है और वह काम करता है तो वह बाल श्रम कानून का उल्लंघन है। बाल श्रम एक ऐसा सामाजिक अभिशाप है जो शहरों में, गांवों में एवं चारों ओर मकड़ जाल की तरह बच्चपन को अपने आगोश में लिए हुए हैं। वे बच्चों से उनकी बचपन छीनना चाहते हैं। जिनको जाना था यहाँ पढ़ने को स्कूल, जूतों पर पॉलिश करे वे भविष्य के फूल। वास्तव में बाल श्रम मानव अधिकारों का हनन है। मानव अधिकारों के अंतर्गत प्रत्येक बच्चों को शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास का अधिकार है, लेकिन यथार्थ सच्चाई में स्कूल, खेल, प्यार, स्नेह, आत्मीयता आदि इनकी कल्पना में ही रह जाते हैं, वे सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। हम यह सोचते हैं कि इस तरह की सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का दायित्व केवल सरकार का है, लेकिन यह असंभव है। यदि हम सरकार के भरोसे में रहेंगे कि कानून बना देने से बाल श्रम समाप्त हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। हमें भी मदद करनी होगी, तभी बाल श्रम दूर हो सकता है। हमारे घरों में, ढाबों में, होटलों में अनेक बाल श्रम मिल जाएंगे जो कड़ाके की ठंड या तपती धूप की परवाह किए बगैर काम करते हैं। बाल श्रम तभी दूर होगा जब हमें इन बच्चों से बाल श्रम ना करवाकर इन्हें प्यार देना होगा, जिनके लिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, अर्थात बच्चा ही व्यक्ति का पिता है। हमें भी निदा फाजली की तरह ईश्वर की पूजा समझकर बच्चों के दुख को दूर करना होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह निबंध अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल हिंदी द इजी वे को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंदी द इजी वे।